साहब देखो क्या हुआ, अफसोस। बढ़िया है, ये भी अच्छा है। इमरान भाई आप कहाँ बिचोर बार 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 गड़ा से मगर साजान तेरी कमी की बारिश दिए। मेरे बर्थडे केक से इतने सारे। समीर भाई समा क्या कहा अस्सलाम वालेकुम मेरी टू फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अस्पट होंगे, खुश पट होंगे। तो जी आप लोगों को पता है कि कुछ टाइम के बाद मेरे कजन की शादी होने वाली है, तो उन्होंने लाया था मम्मी के लिए फ्रॉक सलवार, ठीक है, ये मैं डालूंगा टेलर के पास। और मम्मा है ननिहाल में, शादी में बचे हैं 7 दिन, मम्मी ने अभी तक कपड़े नहीं लाए। और मैंने मम्मी को अब कॉल किया, मैंने बोला आपको कपड़े शपड़े नहीं लाने, उनका तो मन नहीं था बिल्कुल भी, उन्होंने इग्नोर किया पिछले 2 दिनों से। अब मैंने मम्मी को बोला कि मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र करूँगा, तो आप उनको वहीं पे कपड़े लाओ। एक तो ये वाला है जो कि लाया था, जो मासी ने दिया था, बढ़िया है, ये भी अच्छा है। ये मैं टेलर के पास डाल के रखूँगा और मम्मी को और पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, वो देखेंगे मैं कितना करूँगा, वो मैं आपको बोलूँगा, 3,000 करूँगा या 4,000 3,000 करूँगा 4,000 करूँगा, जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा। तो मम्मी अपने लिए कपड़े लाई, क्योंकि फिर जो मतलब औरत होती है ना, उनके कपड़ों में टाइम लगता है, फिर सूचन पत्र ऐसा बोलते हैं, मैंने सुना है बचपन से, सूचन पत्र दस्ती सुयत कहीं तक। तो ये डालते हैं टेलर के पास और मम्मी को भी पैसे आज ट्रांसफ़र करेंगे, कुछ ही टाइम बचा है शादी में, तो मैं पापा अदनान तो उस टाइम भी ला सकते हैं, लेकिन फिर मम्मी को उस टाइम कोई नहीं देगा, तो इसलिए ये डालते हैं टेलर के पास। ये वाला जो आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मेरी मासी ने भेजा था मेरी मम्मी को, तो चलिए और मम्मी को भी आज पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, वो भी लाएगी आज कपड़े वगैरह जो भी उनको लाना होगा, वो भी आप लोग इंशाल्लाह आगे देखोगे उन्होंने कैसे फ्राक सलवार लाए, क्या लाएगी वो अपने हिसाब से, मैं पैसे ट्रांसफ़र करूँगा और वो लाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कमेंट कर दो और देखेंगे क्या कुछ रहेगा। ऐसे अजीब नहीं लगेगा हाथ में, और इसका आपको पता होगा कि अदनान ने इसमें थोड़ा सा भी तेल नहीं रखा है, कसम से सीरियसली वाला, इसकी पूरी ना टैंकी खुशक है। और यार इस पे नहीं जाना, ये मैं नहीं पीता, पापा पीते, ये वाली उन्होंने यहाँ पर रखी होगी, इसने चवा के, वरना चाबी भी है यहाँ पे, तो इसमें तेल नहीं है। चलो यार कोई फ़ायदा नहीं है अभी तुम्हारा, तुम भी बेवफा निकली। अले ये क्या हुआ है भाई साहब, अल्लाह, ओह शिट, देखो अदनान ने क्या किया, परसों ही मैंने इसे ठीक किया, हाय हाय हाय, देखा मैं भी भूलूं यार, वो इतना मस्का क्यों मुझे लगा रहा है सुबह से, अल्लाह शिट, इसका पूरा शो ही खराब होता है फिर इस वजह से, देखो हाय हाय, देखा सुबह सुबह और एक नुकसान हमारे छोटे लाडले भाई ने, असल से गरी को ना पूछ दो मैं चेज तुम इस खान माजर को। आवर लेटर फाइनली पहुंचे हम अपने प्यार से घर वापस, और वही से मैंने इसके लिए तेल भी लाया और कुछ बनानास लाया, क्योंकि बाकी सब मैं खा नहीं सकता, ओ जंक फूड, तो अब इसी से काम चलाना पड़ता है। ये डालेंगे इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरत लगता है, और अभी गर्मी में पूछो ही, अभी यहाँ पे डाल के छोटे छोटे राफ्टिंग को बोलते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स भी बोल सकते हैं, इन पे मैं भी पानी डाल रहा हूँ, क्योंकि 4-5 दिन ने सूखने नहीं देना है ज़्यादा, इसलिए ऐसे ही सबको करना है जितने भी है, 16 है ये। और धूप देखो आज क्या है भाई साहब, शू शू शू, अफसोस की बात भाई साहब देखो क्या हुआ, अफसोस। ओ भाई बिल्कुल घंटे भर का काम, शिट 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 शिट,
अफसोस अफसोस ओह यहाँ पे पूरी दूध की गंगा बह गई, मतलब चाय की गंगा। मतलब थोड़ा मैंने नमाज पढ़ी, मैंने चाय रखी, मैं भूल ही गया। शिट, उससे मुझे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। अरे रखो ऐसे, और कौन सा अफसोस दुनिया, क्या कर दिया मैंने यार, क्या कर दिया। मुझे गुस्सा आ रहा है कसम से, सीरियसली। मैंने वजू किया, मैंने असर की नमाज पढ़ी, बस में बैठा, फोन के साथ लग गया मैं। शिट, अरे भाई क्या करूं मैं इसका। ओ भाई साहब, फुस 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 फुस, इसी चीज से मैं हमेशा डरता हूँ। ओ भाई, अरे इससे क्या होगा इसको। मेरी किस्मत। फाइनली आधा घंटा लगा इस केस साथ भाई साहब, अब भी हुआ यहाँ से पूरा साफ। ओह, अपने ही लग रहा है कुछ नया है। हाँ ये भी उठाना पड़ा, ये ओके जी फैमिली, आज है ये इस व्लॉग का तीसरा दिन और टाइम आज का सुबह के 6:15 और हमें निकलना है आज पापा के साथ काम पे, तो चलिए निकलते हैं। इसमें क्या है आप लोगों को बताइए, पिछला व्लॉग तो आप लोगों ने देखा ही होगा, मैं पापा के साथ फिलहाल काम पे निकलता हूँ। तो सबसे पहले बिस्तर उठाते हैं जल्द से और चाय पीते हैं और निकलते, क्योंकि पापा अभी वॉशरूम में। चलिए मैंने अपना तू चाय का सास पापा रात में अस इतना रात से ही मरते और इससे रित पे हूँ तो देखिए जी मिट्टी वाली गाड़ी आ रही है जिसमें मिट्टी होती है जो भट्ठे में लगती है। फिलहाल हम यहाँ पे बैठे हैं। ए पाक्सा पाक्सा सासा वो दबाते तुल इसकी तो गाड़ी गुजराने खतरे थे मित इमरान भाई पका बिचोर वार 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 गाड़ी ऐसे मगर सजान वीडियो में गया नेरा नई गाड़ी तम सात बोर नाम इम पकान बिचार वार 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 अभी टाइम आ चुका है लगभग 5:30 और आज वालों एक गाड़ी तो घर पहुंची, क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे अभी टिप्पा चलाना नहीं आता, लेकिन आज मुझे पापा ने ट्राई थी, ठीक ठाक ही हुआ, उतना भी नहीं हुआ लेकिन ठीक ठाक हुआ। मैं डर गया थोड़ा सा क्योंकि अपवाद वो देख रहे हो ना वो रास्ता, वहाँ से मुझे ट्राई थी, क्योंकि आप लोगों ने वो वीडियो देखा हम मिट्टी ले जा रहे थे, ठीक है, तो उसमें मुझे ट्राई थी, तो थोड़ा सा मैं डर गया वहाँ से, क्योंकि वहाँ से बहुत ऊंचा जाना था इसके ऊपर भी, तो मैंने त्रिपाल वाला डाला और हालात देखो यार हाथों की। ओह मुझे क्या हुआ है, 3 जगह पे गुटे खाओगे नहीं मत खाना गला सूख जाएगा, इसी कुछ भी नहीं होता है कहीं चुना सा साहब अल्लाह पाक की कसम। अब मैं जल्द मुझे शौक है अब मैं जल्द से टिप्पर चलाना सीखूं। पापा ने बोला अगर तुम कंटिन्यू रहोगे मेरे साथ 10-15 दिन तुम सीख जाओगे, लेकिन पता नहीं अगर उससे पहले ही घर पे तुरखान वाले आ गए तो फिर से मुझे बैठना पड़ेगा। पहले अभी निकलते हैं और रास्ते में देखते हैं क्या कुछ रहता है। देखो उतना सा बस 3 जगह पे, तो वही हो गई ईंटों की वजह से शायद, क्या कर सकते। चलिए वैसे इसको साफ करने से कुछ नहीं होगा। चलिए जी एक गाड़ी का अनलोड तो हो गया, शीशे में कुछ दिख नहीं रहा था तो पापा ने बोला इस पे थोड़ा पानी मारो। फाइनली अभी टाइम आ चुका है 11:30
और हम घर पहुंचे। लेकिन मैं थोड़ा फ्रेश हुआ, मैंने नहाया, कपड़े चेंज किए और सालन बना के था, खाना रखा उस पर, सालन मतलब सोनू सैनिक गैस पे रखा खाना। तो तब तक मैंने नहाया वहाया, वो कपड़े वपड़े उठाए वहाँ से। और अभी देखिए, अभी थोड़ा सा मैं लग रहा हूँ कि नहीं यार कुछ हुआ है, मतलब शक्ल वापस आई अपनी, क्या कर सकते, काम ये सब होता रहता है। तो अभी खाना खाते हैं क्योंकि मुझे निकलना है वापस 4:30 काम पे। पापा तो लेट ही निकलेंगे क्योंकि उनको अनलोड करना है, जो जिस गाड़ी के साथ मैं होता हूँ उसका अनलोड तो हो गया। तो चलिए जी, खाना खाते हैं और सो जाते हैं, लेकिन उससे पहले पढ़ते ईशा की नमाज़। इस काम में एक ही चीज़ होता है नुकसान, वो होता है नमाज का। दिन भर इंसान नमाज नहीं पढ़ पाता है, कितनी भी कोशिश करें नमाज नहीं पढ़ पाता है। तो अभी मैं ईशा पढ़ूंगा और खाना खाएंगे और सो जाएंगे। ओके ओके जी, माय डियर फैमिली, आज मैं हूँ घर पे और इस व्लॉग का है चौथा दिन। घर पे मैं क्यों हूँ वो भी मैं बताऊंगा। आज मम्मी को जाना है डॉक्टर के पास क्योंकि 10 दिन हो गए बराबर। डॉक्टर ने कहा था जैसे ही 10 दिन हो जाएंगे तो मम्मी को फिर से लाना यहाँ पे। और कल मामू ने करवाई मम्मी की रील वगैरह, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक निकली है, वो ठीक निकली है। तो आज हम जाएंगे डॉक्टर के पास। और मैंने कहा था जो और दो फ्रॉक शलवार लाए हैं मम्मा ने, तो वो वहीं पे डाले। फिर मामी ने टेलर के पास, तो जो यहाँ पे था वो भी ले जाना है वहाँ, क्योंकि कल परसों मम्मी को जाना है मासी के यहाँ दावत पे। हमें भी जाना है लेकिन मम्मी को, मम्मी जाएगी पहले ही, ठीक है। तो आज इस व्लॉग को एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक कमेंट पढ़ूंगा जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। हर कोई कमेंट मुझे अच्छी लगती है, मैं पढ़ता हूँ जब भी मुझे फ्री टाइम होता है, मैं सारी कमेंट्स पढ़ता हूँ। लेकिन ऑन कैमरा मैं सिर्फ कुछ ही पढ़ता हूँ। तो एक बहन ने कमेंट की थी, काश मैं आपकी दूसरी बहन होती तो आपको कभी परेशान नहीं होने देती और सारा काम मैं करती और आपको तंग भी बहुत ज़्यादा करती। थैंक यू सो मच। मतलब जब से मैंने मतलब बहन के बाद भी, बहन से पहले भी मैं सोशल मीडिया यूज़ करता था यूट्यूब पे, तो ठीक ठाक था तमसा तो उस पर, मतलब वो दरबदरी के केरन जैसे कहते हैं वही करता था। लेकिन बहन के बाद मुझे इतना प्यार मिला यूट्यूब पे, इतनी सारी बहनों का प्यार मिला, मतलब मैं बता भी नहीं सकता। मैंने सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी मुझे इतना सारा प्यार मिलेगा। और कल मेरा बर्थडे था 20 मई को था, तो इतना सारा प्यार मिला ना मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। तो मेरे हाथ में जो जो मेंशन आया उनको मैंने मेंशन बैक दिया। अब जिन जिनको नहीं मिला उनको सॉरी नेक्स्ट टाइम। और सेलिब्रेट बिल्कुल भी नहीं आया क्योंकि मैं बर्थडे पे था। वो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे हो तो आप लोगों ने सारा देखा होगा मैं क्या कर रहा था, किस काम में मैं बिजी था, इसलिए कुछ भी सेलिब्रेट नहीं हुआ। इंशाल्लाह अगर जिंदगानी रही तो नेक्स्ट ईयर ज़रूर से अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे अपने बर्थडे पे। तो इसी के साथ ये व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्यारा सा व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं अगले से व्लॉग में, तब तक ये अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय। घर का कुछ काम है वो करते हैं और 2 बजे जाते हैं मम्मी के पास और ले जाते हैं उनको डॉक्टर के पास।